नमस्ते दोस्तों, टारगेट 95 प्लस में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी का सारांश। इस कहानी में है एक पेट्रोमैक्स पंचलेट जिसने लोगों के दिलों में जगह बना ली। इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलेगी कि इंसान की अद्वितीयता और उसका व्यवहार किस प्रकार से उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में धिवरी भी नहीं जलाई थी। पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वो जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने ये सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मना कर ले आए। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं।